बार ये दिन गाए, बार बार ये दिन गाए, तुम जियो हजारों साल है मेरी ये आरजू। हैप्पी बर्थडे खालिद खान, हैप्पी बर्थडे खालिद खान, हैप्पी बर्थडे खालिद खान, खालिद भाई हैप्पी बर्थडे टू यू। बार ये दिन गाए, बार बार ये दिन गाए, तुम जियो हजारों साल है मेरी ये आरजू। हैप्पी बार ये दिन गाए, बार बार ये दिन गाए, तुम जियो हजारों साल है मेरी ये आरजू। हैप्पी बर्थडे खालिद खान, हैप्पी बर्थडे खालिद खान, हैप्पी बर्थडे खालिद खान, खालिद भाई हैप्पी बर्थडे टू यू। आज इतने 9 महीने से लोग परेशान हैं कोरोना को लेके, और कैसा है बहुत लोग परेशान हैं, और मेरा बर्थडे तो हर साल लोग सेलिब्रेट करते ही है, और इस बार तो फिर भी कम है तादाद में, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन है नहीं। 100-200 लोग को लेके परमिशन है, वही हिसाब से, नहीं तो इधर तो हज़ारों की भीड़ होती थी मेरे बर्थडे के अंदर। और मैं सभी को धन्यवाद कहता हूँ जो मेरे दोस्त लोग आए, रियाज भाटी भाई, फिरोज सांबा भाई, हाजी साहब, साकिब मौसम और गुप्ता जी, अपने जो भी हमारे सब दोस्त लोग हैं जो मोहब्बत करते हैं, वो सब लोग मेरे साथ में खड़े रहते हैं हमेशा, कंधे से कंधा मिला के। और एक कैसा एक प्यार बांटने का एक तो बहाना होता है, यही बहाने से सबसे मिल लेते हैं और सबसे प्यार मोहब्बत की बातें हो जाती है। मिलके संगठन है हमारी, संगठन को लेके चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो भविष्य क्या योजना है जो आप संगठन की बात कर रहे हैं या खुद क्या भविष्य में? अभी देखो आज मेरा महाराष्ट्र के अंदर के ग्रुप करके मेरा फाउंडेशन है, और वो फाउंडेशन के माध्यम से हम समाज का पूरा काम कर रहे हैं। फिल्म लाइन के अंदर भी मेरा काफ़ी काम है, फिल्म लाइन के अंदर भी लीडरशिप करता ही हूँ, आप लोग को मालूम रहेगा, और सेना के अंदर भी मैं काम करता ही हूँ। तो व्यूवर्स में क्या है, लोगों की सेवा करना है और अच्छा सा काम करना, यही अपनी उम्मीद है। अली भाई आपने एक यूनियन बनाया है, उस यूनियन के बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए कि क्या है वो यूनियन? ऐसा है जो फिल्म लाइन के अंदर वेंडरों की यूनियन नहीं होती थी, जो कॉन्ट्रैक्टर लोग होते थे उनकी यूनियन नहीं थी, सब डिपार्टमेंट है मगर वही एक डिपार्टमेंट नहीं था, वो डिपार्टमेंट में मैंने बना के आज कॉन्ट्रैक्टरों को हक दिलाने का काम कर रहा हूँ। तो मेरे कॉन्ट्रैक्टर लोग का कई लोग का काम करते थे बेचारे, ब्याज पे पैसा लाते थे, काम करते थे, उनका पैसा दिलाने वाला कोई नहीं होता था, काम तो मिल जाता था मगर पैसा वसूल करने वाला कोई नहीं देता था। आज वो यूनियन के माध्यम से सबको सबका हक मिल रहा है, और फिल्म लाइन से गुंडागिरी खत्म हो रही है आस्ते आस्ते, जो गुंडागिरी होती थी कि मैं लोकल हूँ, मैं ये मैं हूँ, मैं ही करूँगा, ये सब चीज़ हमने ख़त्म कर दी है फेडरेशन के अंदर, एफिलिएट यूनियन की है, और वो माध्यम से सभी गुंडागिरी खत्म कर रहे हैं हम। अगर बात करें तो पूरे लॉकडाउन में आपके यूनियन के लोगों को किस तरह का मदद मिला है, पॉलिटिशियन से या बॉलीवुड से? किस तरह बॉलीवुड से काफ़ी मदद मिला है हमारे को, यश चोपड़ा के तरफ से मदद मिला है, सलमान भाई के तरफ से मिला है, और शाहरुख खान के तरफ से मिला है, रोहित शेट्टी के तरफ से मिला है, अजय देवगन के तरफ से मिला है, नॉइट अपना प्रोड्यूसर एसोसिएशन के तरफ से मिला है, नेटफ्लिप के तरफ से मिला है, और वर्करों को डायरेक्ट अकाउंट में पैसा गया है, वो सबसे बेहतरीन बात हो गई। आज कम से कम नहीं तो मिनिमम 35,000 वर्करों को मदद हुई है, सलमान भाई ने किए, सभी प्रोड्यूसर लोग ने किए, फेडरेशन के मार्गदर्शन में सभी काम अच्छे। गाना चाहता हूँ और साथ में हम लोग गालेंगे गालेंगे सर। बार बार ये दिन गाए, बार बार ये दिन गाए, तुम जियो हजारों साल है मेरी ये आरजू। हैप्पी बर्थडे खालिद खान, हैप्पी बर्थडे खालिद खान, हैप्पी बर्थडे खालिद खान, खालिद भाई हैप्पी बर्थडे टू यू। खालिद भाई, खालिद भाई आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैप्पीनेस, सक्सेस, गुड हेल्थ लाइफ मेरी तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से और पूरी मीडिया और पूरे बॉलीवुड की। जी खालिद भाई के इस शुभ अवसर पर को दिल से जन्मदिन की मुबारक देना चाहता हूँ, विश यू मेनी मेनी हैप्पीनेस ऑफ द डे, भगवान और गॉड ब्लेस यू। दादा कल्याण जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आज खालिद भाई का जन्मदिन है? सबसे पहले हम मुंबई के शहंशाह, महाराष्ट्र के शहंशाह, हम सब के प्यारे जान, हम सब के प्यारे भाईजान और दिलों में राज करने वाले सुपरस्टार मेरे भाई खालिद खान साहब का जन्मदिन की हार्दिक शुभेच्छा अभिनंदन। भाई तुम जिंदगी भर भाई तुम अच्छा काम करोगे मुझे पता है, और कल्याण जी जाना गरीबों के एक्टर आपके साथ रहेंगे जिंदगी भर। खालिद भाई तुम्हारे जैसे दोस्त नहीं मिलेगा और ना कभी मिल पाएगा, इसलिए भाई
जन्मदिन मुबारक हो। और मेरे साथ में है कमाल खान, ताहिल कमाल खान सुपरस्टार, हमारे एक्टर और मेरे वीरू जैन, मेरे भाई, मेरे एक्टर मॉडल। थैंक यू भाई, जन्मदिन मुबारक हो। और जन्मदिन में आके मुझे बहुत सारे दोस्त मिला है, थैंक यू सो मच मीडिया, लव यू मीडिया, क्योंकि मीडिया की वजह से हम लोग हैं। जो भी कुछ आज मैं गरीबों के एक्टर के नाम का अगर मैं हूँ कुछ कल्याण जाना, तो सिर्फ और सिर्फ मेरा मीडिया मीडिया मीडिया। थैंक यू सो मच खालिद भाई, मुझे हर वक्त आप मुझे हेल्प करते हो, मेरे प्रोग्राम में, मेरे अवार्ड शो में मेरे साथ रहते हो, मेरे प्रोग्राम में आते हो। और जिस तरीके से आज आपने बर्थडे बनाया, तमाम लोग यहाँ पर आए हैं आपके बर्थडे, आपके जन्मदिन में, आप सभी के खालिद भाई आपको जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा अभिनंदन। आप जो है माशाल्लाह एकदम बोले तो झकास, एक नंबर, बोले तो रात को सपने में आएंगे और आपको लेके जाएंगे मैं मलेशिया, वहाँ पे खाएंगे अपन पानी पूरी। हाँ, वहाँ पानी पूरी मिलता, लेकिन हम खिलाएंगे। थैंक यू भाईजान, आई लव यू खालिद खान, एक नंबर, बोले तो रावास झकास, बोले तो मस्का मार के चस्का मार के जन्मदिन मुबारक। मैं इनको बहुत बहुत बधाई दूंगा, बहुत अच्छे इंसान है और नेता है, लीडर है, और ख़ास तौर पे यूनियन में है, जो कि एक इनकी ऐसी पकड़ है, जो ज़मीन से जो जुड़े वर्कर है फिल्म इंडस्ट्री के हो चाहे हो, उनको मदद के लिए हमेशा भाई खड़े, चाहे लॉकडाउन में हो, चाहे कोई भी स्थिति हो, जो बेचारे गरीब जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते कैमरामैन से लेकर के लाइटमैन से लेकर के हर कोई की मदद करने के लिए खालिद भाई जैसा इंसान हमेशा आगे रहता है। तो बस आज उनके जन्मदिन के लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, और ऐसे ही काम करो और बस आगे बढ़ो, और हम तुम्हारे साथ में। खालिद भाई को तहे दिल से उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। मैं आज स्पेशली उनके लिए यहाँ पर आया हूँ। उनका एक बहुत मोहब्बती नेचर है जो सबको लेकर चलते हैं, उसमें ना धर्म की राजनीति करते हैं ना पार्टी की राजनीति करते हैं। तो आज उन्होंने प्रोग्राम रखा, हमको बुलाया, हम सब यहाँ पर सारे दोस्त शामिल हुए, और बहुत खुशी का माहौल है, काफ़ी लोग हैं यहाँ पर, तो बड़ा मज़ा है। पहले तो मैं बोलूँगा कि खालिद भाई तुम जियो हज़ारों साल, और साल के दिन हो 50,000। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। खालिद भाई माशाल्लाह ऐसे इंसान है कि हर एक दोस्त के लिए, अपने स्टाफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो खाली मतलब हम सब चाह रहे थे कि ऐसा गेट टुगेदर हो, और ये बर्थडे तो बहाना रहता है, हम सब मिलते हैं, सब दोस्त मिलते हैं, बहुत पहले के पुराने दोस्त थे हम लोग, सब मिलते हैं और सब एक साथ में खुशियाँ मनाते हैं।